नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की। देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो तमिलनाडु केरल में आज तूफान की आशंका, उत्तर भारत के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देश के मौसम में उलटफेर जारी है, कभी गर्मी तो कभी बरसात से लोग जो है परेशान है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की जानकारी देने वाले निजी एजेंसी क्लाइमेट वेदर के मुताबिक आज और कल तमिलनाडु केरल में आंधी तूफान की आशंका है और इसके लिए चेतावनी भी जारी की गई है। वही उसका कहना है कि इन राज्यों में मौसमी गतिविधियों का असर जो है पड़ोसी राज्यों में भी इसका पड़ेगा, इसलिए पूरे दक्षिण भारत में आज और कल दो दिन मौसम खराब रहने के आसार है। हालांकि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। क्लाइमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में हो रही बरसात जो है प्री मानसून की गतिविधियों का एक हिस्सा है। हालांकि बारिश का असर जो है इन राज्यों में कल थमेगा, वही कुछ इलाकों में तापमान में इजाफा होगा और कुछ इलाकों में बारिश के कारण तापमान में कमी आएगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वही ये तो यहाँ पर हुई साउथ इंडिया की बात, लेकिन दूसरी ओर साइक्लोनिक प्रेशर छत्तीसगढ़ के ऊपर बनता दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ तेज बारिश की आशंका जताई गई है। क्लाइमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज और कल जमकर बारिश छत्तीसगढ़ में हो सकती है। क्लाइमेट कह रहा है कि दूसरी ओर भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है उनकी ओर से अपडेट दिया गया और कहा गया है कि दिल्ली, यूपी और छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में भी आज बारिश होगी। दिल्ली में कल रात यहाँ पर जमकर बरसात हुई, जिसकी वजह से आज भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं, शाम तक बरसात हो सकती है। बारिश की वजह से मौसम यहाँ पर हल्का सा सर्द हो गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 16 के आसपास रहने के आसार है, लेकिन कल जो है कुछ इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और कुछ इलाकों में 30 मार्च तक यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बारिश नहीं होगी। अगर दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो नोएडा में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री अधिकतम 32 डिग्री के आसपास और गाजियाबाद में 15 और अधिकतम 29 और गुरुग्राम में न्यूनतम 15 और अधिकतम 31 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। वही यूपी के 32 जिलों में, एमपी के 14 जिलों में, राजस्थान के कुछ जिलों में बादल वगैरह छाए रहने की आशंका बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत मिल सकती है। वही महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण, तमिलनाडु और इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी आशंका जो है बनी हुई है। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के विस्तार पूर्वक मौसम समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान के मौसम को लेकर अपडेट यही है कि राजस्थान में लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान में अभी आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की बात कही गई है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में मौसम विभाग ने यहाँ पर कुछ इलाकों में गर्मी का एहसास अभी होने लगा है, कुछ इलाकों में यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी की बात यहाँ पर कही है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान के अंदर जो है मौसम विभाग के अंदर जयपुर की ओर से बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी किया गया। वही कहा गया है कि अलवर और भरतपुर में कुछ इलाकों में बादल वगैरह छाए रह सकते हैं। वही बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी संभावना है। वह अचानक चलने वाली तेज हवाएं की जानकारी यहाँ पर दी है, 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इधर राजधानी जयपुर में सुबह के वक्त बादल यहाँ पर कल छाए रहे, कुछ दिनों इलाकों में यहाँ पर मौसम का मिजाज गड़बड़ाया। वह ओलावृष्टि ने कुछ फसलों को जो है परसों बारिश जो हुई थी उसके कारण बर्बाद कर दिया है। वही मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश में जो है आज आंशिक रूप से कुछ इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। वही तापमान 30 अधिकतम और न्यूनतम 17 के आसपास रह सकता है, जबकि कुछ इलाकों में जो तापमान जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है, यानी तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी और भी ज्यादा हो सकती है। वही मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में परसों जो है ओले गिरे, कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। वही कल कुछ इलाकों में अधिकांश शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, सबसे अधिक तापमान -4.1 डिग्री के साथ जोधपुर अधिकतम तापमान 36 डिग्री, यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 30.6 डिग्री का सबसे गर्म इलाका रिकॉर्ड किया गया है। वही सबसे कम न्यूनतम तापमान झुंझुनू के पिलाने में दर्ज हुआ, यहाँ पर 6 डिग्री गिरावट यहाँ पर आई है और ये 14 डिग्री के आसपास रहा है। जोधपुर में 4 डिग्री गिरावट आई और 30 डिग्री के आसपास ये आया है।
राजस्थान के बाद बात कर लेते हैं यूपी और उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट की, ताकि यूपी का मौसम कैसा रहेगा, क्या कहता है यूपी का मौसम। तो यूपी के मौसम को लेकर अपडेट यह है कि यूपी में यहाँ पर मौसम बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 20 जिलों में मौसमी बदलाव की बात कही गई है। दरअसल बात यह है कि यूपी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता जो है दिख रही है। वहीं अगले दो दिन तक यूपी के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने के आसार जताए गए हैं। वह कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान है। यूपी के 13 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ इलाकों में आसाम से मौसम जो है साफ होने लगेगा। वहीं 1 अप्रैल से छुटपुट बारिश के आसार जताए गए हैं। आगामी 29 तारीख को भी यहाँ पर कुछ इलाकों में यूपी में बादल वगैरह छाए रहने की बात कही गई है, बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग ने यूपी के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज सहारनपुर, शामली और बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, अमरोहा के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है, यानी ओलावृष्टि की चेतावनी जो है दी गई है। वह आज से कुछ इलाकों में मौसम जो है वो बिल्कुल साफ होने लग जाएगा, मौसमी बदलाव जो है देखने को मिलेगा। वही यूपी के बाद बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश की मौसम की, तो एमपी का मौसम कैसा रहेगा, एमपी में किस तरह का रहने वाला है मौसम। तो बता दें आपको कि एमपी में अभी मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। वही बादलों से यहाँ पर एमपी के विदर्भ में कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश में ताजा मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि एमपी में सबसे ज्यादा मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है। बताया जानकारी भोपाल केंद्र द्वारा बताया गया है कि अलग अलग स्थानों पर सक्रिय तीन मौसम प्रणाली की वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश जो इलाका है, पूर्वी मध्य प्रदेश में नमी आने लगी है, जिससे जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कई कई वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इधर बाकी क्षेत्रों में नमी कम होने की वजह से बादल छट गए हैं, इसके चलते धूप तल के होने लगी है। वही कल जो है राजधानी भोपाल में भी सुबह के वक्त यहाँ पर चिलचिलाती धूप निकली। वही मौसम विभाग का जो केंद्र की जानकारी है उसके मुताबिक आज जबलपुर, सेवा और रीवा के शहडोल का रीवा और इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बरसात होने का एमपी में संभावना जताई गई है, यानी एमपी के अंदर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस तरह का अपडेट जो है एमपी को लेकर जारी हुआ है। एमपी के बाद बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की, तो आखिर बिहार का मौसम कैसा रहने वाला है। तो बिहार में फिर बदलने जा रहा है मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बिजली के साथ बारिश और ओलावृष्टि के हैं आसार। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने राज्य में फिर आंधी तूफान और बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। वही कल से बिहार के पूर्वी बिहार के इलाकों में यहाँ पर मौसम बिगड़ने की आशंका है। इस दौरान पटना, गया और आरा और भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय समेत 26 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ठंड का गिरने के आसार है। साथ ही कहीं कहीं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में बारिश संबंधी गतिविधियां होने की संभावना कम ही है। हालांकि आज से यहाँ पर एक बार फिर मौसम जो है वो बदलेगा और अगले हफ्ते से यहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। 3-4 दिन तक दक्षिणी पूर्वी बिहार में जोरदार मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है, मौसमी बदलाव हो सकता है